एयर टैंक फुल रहेगा 730 रुपये का, और डेट है 9/8/22। ठीक है, तो अभी डोसा मंगवाए हैं खाने के लिए, बहुत दिनों के तक डोसा नहीं खाए थे। कुल्फी फलूदा मंगाए हैं, ये कहना चाह रहे थे हम। एक भाई कमेंट किया था कि एमटी से चला जाए, राइड कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ों को पढ़ाम छठो को। हेलो, तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी को ऑफिस छोड़ने, उससे पहले खाना खाना है। और आपको एक और हर बोलते हैं ना आपसे कि हर ब्लॉग में हम अपना रियल लाइफ दिखाएंगे, तो आज फिर इस ब्लॉग में कुछ आपको रियल दिखाने वाले हैं। तो टैंक बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो टैंकी हमें सब फुल कराते हैं। तो मम्मी को ऑफिस छोड़ के आएंगे, फिर काम पे जाएंगे, काम पे से आएंगे तो टैंक फुल कराने जाएंगे। नौका भी यार बहुत दिनों का गए नहीं है, तो कॉफ़ी पीने भी जाना है। तो उससे पहले हम घर का कुछ दिखाते हैं, ठीक, आइए दिखाते हैं। टाइम हो गया और मॉर्निंग का खाना देख लीजिए क्या बना है। अभी मम्मी जेस्ट दे के गई हैं, और कल शाम को आए थे काम पे से तो कपड़े गंदे हो गए थे, तो चादर चेंज किए हैं। और रात में भी दिए तो रात में सूख गया था। इससे क्या होता है कि धूप भी नहीं लगेगा, कलर भी नहीं उड़ेगा और अच्छा से सूत भी जाएगा। तो ये जो शर्ट है प्रेस करने के लिए देना है, और शाम को आएंगे प्रेस करने दे देंगे, उसके बाद से जो है फोल्ड करके रख देंगे। और कपड़े हम अपने यहाँ खुद धोते हैं, और मम्मी का कपड़ा हम ही धो देते हैं कभी कल, ऐसा नहीं तीसों दिन। कभी कल मम्मी थकी रहती हैं तो हम ही कपड़ा धो देते हैं मम्मी का, और अपना तो तीसों दिन धोते रहते चले, ठीक है। और अब हम खाना खा के मम्मी को ऑफिस छोड़ जाएंगे, छोड़ के आएंगे फिर काम पे चले आएंगे, फिर आएंगे तो बाइक लेके जाएंगे, टैंक फुल कराएंगे, नौका भी जाएंगे कॉफ़ी भी कराएंगे। फिर उसके बाद से और भी हमें कुछ काम होगा तो अभी ब्लॉग में डालना होगा तो डाल देंगे, नहीं तो एडिटिंग करके डाल देंगे। तो चलते हैं, आपको आगे मिलेंगे। गाइस काम पे आए हैं, तो आपको घर पे पहले बता दिए थे कि हम काम पे जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर जाएंगे गाड़ी लिए तेल डलवाने। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ये है सोफा। और कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में अभी आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद ही अभी रेडी नहीं, खाली तैयार हुआ है। अभी इसमें फॉर्म स्प्रिंग फ्रिंग सब कुछ लगना बचा है। 4-10 हो रहा है, डोर सेट लॉक लग रहा है पूरा, प्याज ही लगा है। और इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये लेबल होना चाहिए ऐसे पूरा, कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो ये दामने से लेके अंदर जा रहा है, और इसमें भी लग गया पूरा, और इसका पूरा सेट यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे ब्रेड लीजिए, सागर भी लगा रहे हैं, तो ये लॉक जो है, ये जो घाट देख रहे हैं ना आप, ये यही सिस्टम यहाँ पे बैठेगा पूरा। सागर भैया स्माइल। अब काम पे से घर जा रहे हैं, और घर पे सीधा आपको मिलेंगे। टाइम कितना हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और सागर भैया अभी काम कर रहे हैं, हम घर पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं फ्रेश होने, और नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बाइक में पेट्रोल डलवा लें। बाकी और भी मुझे काम है, नौका भी यहाँ पर जाना, कॉफ़ी पीने बहुत दिन हो गया है। तेल ख़त्म हो गया है, अभी बाइक पोछ रहे हैं। ये बिल्ली जो है ना पंजा मार दी है, बाइक गंदी भी हो गई है, धुलवाना भी है, टाइम निकाल के धुलवा देंगे। गाइस मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और रास्ते में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा जल्दी फास्ट चलाएंगे बाइक। तो फिलहाल
रास्ते में फोटोशूट हो रहा है। गोरखपुर का रोड देख लीजिए कैसा है, और यहाँ पे ऐसे ही रोड मिलेगा कम से कम 2 से 3 साल तक, क्योंकि काम चल रहा है ना। चुके हैं पेट्रोल पंप, अब भरवाएंगे पेट्रोल। ये टैंक फुल रहेगा। गाइस 453 चला है 700 रुपया में, और कितनी की माइलेज दिया है आप लोग जोड़ लीजिएगा, 453, 700 का तेल ड्राए थे, 453 चला है, अब कितने का माइलेज दिया आप लोग जोड़ लीजिएगा। और अभी मैं तेल डराया हूँ 730 रुपये का, और डेट है 9/8/22, ठीक है। तो अब इसको हम वन ट्रिप में, या देखेंगे तो वन ट्रिप है, अब इसको करते हैं टू ट्रिप। अभी हो गया ट्रिप बी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ टोटल दिखा रहा है 1988 चला है, ठीक है। तो ये हो गया वन ट्रिप, अभी हो गया टू ट्रिप, मतलब ए बी। तो अब बी भी हम लोग कर दिए, और बी पे करने के बाद इसको हम दाबे रहेंगे, यहाँ पे जीरो हो गया। तो अब ये कितना 730 रुपये कट रहा है, आप देखते हैं इसमें कितना चलता है। तो पेट्रोल पंप से तो निकल चुके हैं, और अभी हम प्रेजेंट में हैं रेलवे स्टेशन। खाने के बाद जो खाएंगे भी दिखाएंगे, खाने के बाद 9/8 पे जाएंगे कॉफ़ी देके, फिर उसके बाद केला खत्म करके केला भी लेना, फिर घर जाएंगे। आज थके हुए हैं, बट काम करना तो पड़ेगा ना। तो अभी डोसा मंगवाए हैं खाने के लिए, बहुत दिनों के तो डोसा नहीं खाए थे, और आपको तो पता है कि हमारे कम दोस्त हैं इसलिए हम अकेले हैं। और दो तीन फोन किए थे दोस्त को, लेकिन बिजी हैं सब।
कुल्फी फलूदा मंगाया। आपको तो पता है कि हमारी लाइफ अकेली है, सुबह काम पे चले जाते हैं फिर शाम को आते हैं, फिर ब्लॉग बना लेते हैं, एडिटिंग करना रहता है, फिर और भी काम रहता कर लेते हैं, फिर तो ख़त्म हो गया दलवा देंगे और साथ ही मौका भी आ जाएंगे, कॉफी घूमेंगे उसको घर जाएंगे, ब्लॉग एडिटिंग करना है बहुत सारा पड़ा हुआ है। और ये कहना चाह रहे थे हम, एक भाई कमेंट किया था कि एमटी से चला जाए राइड कर लीजिए, तो भाई इस सावन चला गया है और इससे पहले अगर आप कमेंट किए होते कि एमटी से राइड कर लें तो हम कर लिए होते हैं, लेकिन अब सावन ख़त्म हो गया है, अब क्या करना है, नंबर अगर आ जाता है तीसरे से निकल जाएंगे, नहीं आएगा इस महीने में तो एमटी से राइड कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को देर से नहीं जब मन करे तुरंत बोल देना चाहिए था। अगर आप सामान में बोलते होते हैं कि हम राइड कर लें उसी से तो हम कहीं उसी से निकल गए होते हैं एमटी से। बाकी एक बाइक और लेने वाले हैं, वो आप सरप्राइज आएगा आपके लिए, तब सोचिए कि हम कौन सी बाइक ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम जुपिटर चला रहे थे फिर स्प्लेंडर चला रहे हैं और बाइक चलाने भी नहीं आता है, तो अभी समझ लीजिए सीख रहे हैं बाइक चलाना, तो कौन सी बाइक ले सकते हैं अगर सीख रहे हैं तो। अभी बहुत सारा सामान भी लेना आप, और आपको पता है हमारे कम दोस्त इससे ज़्यादा अकेले रहते हैं। लेकिन एक बात और है गाइस, अगर आपने आप में बिजी रहोगे ना तो जल्दी आगे नहीं बढ़ोगे। जब भी हम राइड करते हैं तो ट्रैफिक लगा रहता है, ट्रैफिक में लाइन अलग अलग रहती है, तो थोड़ा आगे जाके मोड़ना पड़ जाता है, लेकिन ट्रैफिक में खड़े नहीं रहते, निकल जाते हैं, क्योंकि जितने देर रुकेंगे उतने जल्दी हम आगे निकल सकते हैं, तो आपको सीधे मिलेंगे मौका भी आपके यहाँ। तो अभी हम पैडलीगंज है, मोहतीपुर जाएगा कूड़ाघाट, और अब मचाने वाले हैं तबाही। बढ़िया सा प्लेस देख के रुका जाए, और ये प्लेस सही लग रहा है। बिहार पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी अब देख चुके हैं कितना खूबसूरत मौसम चल रहा है, तो घर से अगर हमको दूर थोड़ा आना रहता है तो नौका बिहार पे आते हैं, और आपको तो पता है हम अकेले लाइफ में ज़्यादा रहते हैं, दोस्त भले कम है लेकिन अच्छे हों। अभी नौका बिहार पे हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे तो ब्लॉग एंड करेंगे। हम घर पे आ चुके हैं, आप तो टाइम देख चुके होंगे कि हम घर पे आ चुके हैं, तो अब जा रहे हैं ब्लॉग एंड करेंगे और एडिटिंग करेंगे, और एडिटिंग करने के बाद एक या दो दिन में पड़ जाएगा, मॉर्निंग में या शाम में भी पड़ सकता है, बट अगर यहाँ तक ब्लॉग मेरे देखे होंगे तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। जय।